राजस्थान से हैं प्रतिभा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम मैम। नमस्कार। नमस्कार सर मैम, से बात करनी थी मुझे, प्लीज। कर लीजिए बात। जय हिंद। हाँ नमस्ते जय हिंद, स्वागत आपका प्रतिभा जी। बहुत बहुत सर। सर मैंने 2 4 बार हालांकि लिया है दवा, फिर बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया। और एक मेरे लिए दवा आनी भी थी। मैं वैसे कोटा और टोंक दो जगह रहती हूँ, तो अभी मैं टोंक में हूँ, तो कोटा से मैंने दवा मंगवाई थी, तो पता नहीं क्यों मेरी दवा आई नहीं। और अभी मैं 60 से ऊपर की हो गई हूँ, और एक तो मुझे थायराइड है, ठीक है। और मेरे नाभि में हर्निया हुआ था, तो मैंने कोटा में ऑपरेट करवाया था। फिर 1 साल बाद दोबारा मेरे हर्निया हो गया, तो वो मैंने बैंगलोर में कराया, पर मुझे साल भर हो गया। आज भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एज इट इज अभी ऑपरेशन हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। और इसके बाद मुझे अभी डायबिटीज है, तो वो भी कभी 150 कभी 160 ऐसे आती है पासिंग में। मेरे जो पैरों में दर्द होता है, पहले मेरे हिप्स के दोनों साइड बीच दोनों हिप्स के बीच में दर्द होता है, और फिर इसके बाद पूरा नीचे पैरों तक आ जाता है। पहले एक पैर में होता था, अब दोनों पैरों में होने लगा। और एक बार और भी आपने शायद गोंसिया ऐसा कुछ भिजवाया था, उसको भी मैंने घुट की दवा ली, पर थोड़े दिन तो आराम रहा। फिर मेरे हर्निया वाली प्रॉब्लम हो गई, तो मैं बैंगलोर चली गई, फिर ऑपरेट करवा लिया, फिर इसके बाद छोड़ दिया दवा। फिर कोटा से मैंने वापस पास किया, तो वो भी दवा ही नहीं आई मेरी। तो ठीक है मैम। अभी सबसे बड़ी समस्या मेरे इतना पैरों में इतना जबरदस्त दर्द है कि इतना लंगड़ा लंगड़ा के मैं चलने लग गई। सर प्लीज मुझे खूब अच्छी सी दवा दे दीजिए, कुछ तो ठीक फायदा हो जाए। जी मैम। ये जो हम तो बात कर रहे हैं, एक नंबर और आ रहा है, इस पर आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए गौनसिया का। ये गौनसिया ही आपका इलाज है, वही आधा आधा ग्राम 2 बार खाना है, खाने के बाद खाना है, और बिल्कुल ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। आप बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, दो दो बार आपने ऑपरेशन करा दिया, और नमक जैतून दो दो चुटकी 2 बार लिया करें पानी में मिला के, और इस पानी से आप गौनसिया खाया करें, तो इससे आपकी पेट की समस्या भी हल होना मुमकिन है और ये दर्द वाली परेशानी भी जाती रहेगी। अगर दवा आप डायबिटीज़ की खा रहे हैं तो वो खाते रहिए, अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो गौंद जामुन मंगा लीजिए और एक एक चुटकी दिन में 2 बार खाइए, वो अपनी दवाओं के साथ, तो डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, थायराइड हकीम साहब, और पैरों में दर्द। हाँ, पैरों में दर्द के लिए तो मैंने गौनसिया बता दिया, और गौनसिया खाएं तो आधा चम्मच धनिया सुबह, आधा चम्मच शाम उसके साथ ज़रूर खाया करें, आपको थायराइड पे भी कंट्रोल होना मुमकिन है।